हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन एड्स को आप कैसे हटा सकते हैं और स्क्रीन एड्स को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन एड्स वगैरह को रिमूव कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन एड्स को आप कैसे हटा सकते हैं मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन एड्स को रिमूव कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही और आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो स्क्रीन एड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, डिस्प्ले एड्स को भी कैसे हटा सकते हैं, सिंपली आपको ऐप सेटिंग्स पे जाना है। ऐप सेटिंग्स पे जाकर जिस भी ब्राउजर्स या ऐप्स की एड्स हैं जो आपके स्क्रीन पे शो हो रही हैं, उसको कैसे आप हटा सकते हैं। तो जिस भी ऐप से आपका, तो उसको आपका डाटा है क्लियर ऑल डाटा कर देना, जिससे आपका ऐप से शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, जिससे स्क्रीन एड्स आपके फ़ोन से आना हट जाएंगी और आपके स्क्रीन पे भी शो नहीं करेगी, क्योंकि हमने यहाँ से डाटा है क्लियर कर दिया ऐप्स का। और आप चाहें तो डिस्प्ले और अदर ऐप्स के जरिए किसी भी ऐप्स का, जो भी आपका जो ऐप्स अलाउड है, उसको डोंट अलाउड करके भी स्क्रीन एड्स को आप हटा पाएंगे एंड रिमूव कर सकते हैं स्क्रीन एड्स को इस तरीके से भी। नहीं तो आपको बैक करते हुए प्राइवेसी पे जाना है, प्राइवेसी पे जाकर ऐड सेटिंग्स पे चले जाना है और ऐड सेटिंग्स पे जाकर जो भी आपकी स्क्रीन एडवर्टाइजिंग आईडी है, उसको रीसेट कर सकते हैं इस तरीके से, और स्क्रीन एड्स को आप इसके जरिए रिमूव कर सकते हैं और हटा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से भी स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कर सकते हैं और हटा सकते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, स्क्रीन एड्स भी आप हटा पाएंगे अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।